पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार होंगे? ये बड़ा सवाल है। और अभी हिमराज राम जी ने मुस्कुराते हुए एक बात तो बड़े बेबाक तौर पर कही कि लोग मिलेंगे और नेता तय हो जाएगा, पर अभी ये नहीं कह रहे कि नेता के रूप में कौन होगा। सवाल वहीं पर है जिसको समझने की कोशिश करेंगे मनीष गुप्ता जी से, कि मनीष गुप्ता जी आप ये बताइए कि केसीआर, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, इन सब के नाम पर तो कांग्रेस भी तैयार नहीं होगी और वो भी कांग्रेस के नाम पर तैयार नहीं होंगे, तो क्या ऑब्वियस चॉइस के रूप में नीतीश कुमार ही वो जगह फिल कर सकते हैं? और इसी कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। मुझे लगता है पंकज जी कि जैसे उन्होंने कहा ना पटना से तय होगा, हिमराम जी कह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है विपक्षी एकता का सहरा पटना में दो लोगों के सर पर बांधा जा सकता है। एक है कॉल मतलब जेडीयू के नेता सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव, और दूसरे माननीय नीतीश कुमार गुप्ता वर्तमान मुख्यमंत्री। तो अगर नीतीश कुमार जी ये पासा फेंकते हैं कि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार से मुझे चुना जाए, अन्यथा तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चाहे रहे लालू यादव जी को आज क्या चाहिए, उन्हें अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और उनकी कोई स्वयं की एम्बिशन है नहीं, वो स्वयं भी जानते हैं उनकी उनकी इस समय सामाजिक स्थिति क्या है। ऐसे में बिहार से निर्विवाद रूप से माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी जैसा कि हिमराज जी ने आरोप लगाया था मेरे और राहुल लाल जी के ऊपर, तो राहुल लाल जी ने तो भाजपा की बुराई करके तुरंत अपने आप को सेकुलर बना लिया, और अब हिमराम जी कहेंगे कि भाई अब तो ये अब ये सेकुलर है, अब मैं बचा में अभी सेकुलर नहीं हूं, क्या कोई बात नहीं। तो मेरा इसमें कहना ये, जिस तरीके से इन चार बड़े विपक्षी नेताओं को जो कि विपक्षी एकता का राग अराप रहे थे, इनको अगर कांग्रेस ने नहीं बुलाया है, इसका मतलब है कांग्रेस ढोल बजा के कह रही है, कांग्रेस ढोल बजा के कह रही है कि विपक्षी एकता सिर्फ मेरे नेतृत्व में होगी। अगर राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है तो विपक्षी एकता के लिए वो तैयार है। जिस तरीके का मैसेज ममता दीदी को दिया, तो नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता की मुहिम का जो अंत है वो समझ लें, उनको झुकना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी का इसमें जो ऑरा चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से अपनी फप्पू की इमेज से छुटकारा पाया है, नीतीश कुमार जैसे नेता को जो कि बार बार अपने रास्ते कभी भाजपा में लगे रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कैसे स्वीकार कर लेंगी? मनीष जी आपके सवाल का ही जवाब हिमराज राम जी से लेते हैं। हिमराज राम जी, सबसे पहले तो मनीष जी पूरी सवाल चलिए देख, सबसे पहले तो मैं मनीष गुप्ता जी को ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने सवाल को अधूरा सुना। मैंने कहा कि ये बैठक पटना में होगी, मैंने तो कहा कि ये बैठक कहाँ होगी अभी तय नहीं हुआ है। ये मैंने कहा कि पटना में हो या दिल्ली में हो या जहां भी हो, ये बैठक होगी और बहुत जल्द होगी और सारे चीजें उस बैठक में ही तय की जाएगी। और उससे पहले तरह तरह के कयास जो लगाए जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये कयास तो हास्यास्पद है। ये सारी चीजों को मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि यह बैठक आज हो कल हो जो भी हो, जो इसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है, तिथि तय हो जाएगी, पर आप तय हो जाएगा। आपने उसमें तय होगा कि आपने हिमराज राम जी, आपने एक बात बहुत साफ कर दिया कि नेतृत्व ढूंढ लिया जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बैठक जब भी हो यह तय हो जाएगा। जो विपक्षी एकता के मुहिम में है, सारे दो दलों के लोग एक साथ बैठ करके उस बैठक में तय करेंगे। नहीं, पर आपने ये कहा कि ये तय हो जाएगा, आपने ये कहा कि हमारी बैठक में तय होगा। जी हाँ, इधर उधर की जो बातें आ रही नहीं, है नहीं 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 तेजस्वी ऐसा ना हो कि आप राज्य से बाहर जाएं। मनीष तेजस्वी यादव बीच में सत्ता पर हमला कर दे, उनको डर लगता है। तेजस्वी यादव को आप अकेले भी छोड़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को आप अकेले छोड़ दो तो आपको डर लगता है।
पूरे राज्य में सुरक्षित नहीं है, नीतीश बाबू अपने राज्य में सुरक्षित नहीं है, कहीं तेजस्वी यादव भाजपा से मिल गए, कांग्रेस से मिल गए, क्या होगा नहीं पता, इसलिए साफ बन रही है राज्य में सुरक्षित रहिए। जनता को जुमलों और अंगूठा दिखाने वाले तीसरी बार सत्ता में नहीं आएंगे, इस बार जनता की सरकार बनने वाली है और जंगल राज के हिमायती सत्ता में आएंगे क्या? जंगल राज के हिमायती सत्ता में आएंगे क्या? मुझे बता दीजिए, इन लालू प्रसाद यादव को आप सजा याफ्ता कहते थे, इन लालू यादव ने शिकायत आपने की, इन लालू यादव को आप जंगल राज कहते थे, और जंगल राज बताने वाले आज जंगल राज के पिताजी के पास कैसे पहुंच गए? उनको शर्म नहीं आई कि कैसे जिसका आप सालों साल विरोध करते रहे उससे मिलकर आपको उत्तर दी, सत्ता के लालची, सत्ता के लालची किस तरीके से सत्ता के ऊपर बैठे रहना चाहते हैं, ये आज नीतीश कुमार के कर्तव्यों से दिखता है। बेटी रुलाओ अब आसाम से कोई भी व्यक्ति ये पता लगा लेगा कि आखिर सत्ता का लालची ये व्यक्ति, सत्ता का लालची ये व्यक्ति कैसे एक व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार। मनीष जी कृपया 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 एक व्यक्ति को बोलने दे। हिमराज राम जी आपने आपने अपनी बात कह दी, हिमराज राम जी आपने अपनी बात कह दी।